हेलो स्टूडेंट्स भाई नमस्ते। चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला अपना हो चुका है। इस चैप्टर में अपन आज इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अपना पहला न्यूमेरिकल है, देखिए, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तब 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए, बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश का मान कितना है मेरे पास? 8 माइक्रोकूलाम। इसको आप कूलाम में चेंज कर लेंगे, माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 10^-6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पे बिंदु ए से बिंदु बी पर, ठीक है, तो बिंदु ए पे जो विभव का मान है वो कितना है? वो दिया है आपको 2 वोल्ट वी ए, और वी बी जो है आपका वो कितना दिया है? 4 वोल्ट। तो बोल रहा है कि इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी पर लाने में कितना कार्य किया जाएगा। देखो, विभवांतर की जो परिभाषा है वो क्या होती है? इन दोनों के बीच विभवांतर कितना हुआ? वी बी माइनस वी ए इक्वस टू डब्लू अपॉन क्यू नोट। भाई ये फॉर्मूला है, अपने को विभवांतर दोनों का विभव दिया है, ठीक है, बिंदु बी का और बिंदु ए का, तो ये अपने पास मान है, क्यों का मान अपने पास है। अपने को पूछा है इस आवेश को यहां से बिंदु ए से बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य, करना क्या है आपको? सीधे सीधे आपको ये जो डिजिट्स हैं, ये जो वैल्यू हैं, इसमें पुट कर देनी है। वी बी का मान आपको दिया है 4 वोल्ट, वी ए का मान है 2 वोल्ट, डब्ल्यू का मान आपको फाइंड करना है, काम जो किया गया है, और क्यू नोट कितना है आपके पास? 8 × 10^-6 कूलम, ठीक है। सोल्व करिए आगे, तो 2 इक्वस टू W अपॉन 8 × 10^-6। W का मान आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? W इक्वस टू 2 × 8 × 10^-6। देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यहाँ पे जूल लिखेंगे। कार्य कितना आ गया? 16 × 10^-6 जूल। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.6 × 10^-5 जूल। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? बिल्कुल इजी था, कॉन्सेप्ट की बात थी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, √2 भुजा के वर्ग के कोणों पर 100 माइक्रोकूलाम, 50 माइक्रोकूलाम, 20 माइक्रोकूलाम और -60 माइक्रोकूलाम के 4 आवेश रखे हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। लिखिए, √2 मीटर भुजा का आपको एक वर्ग बनाना है जिसकी साइड कितनी हो? √2 मीटर। ये लीजिए, मैंने ए बी सी डी एक वर्ग बना दिया, इसकी साइड कितनी है? √2 मीटर, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी विकिरण लगा दूंगा, ठीक है। दो विकिरण मैंने ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी मैंने दो विकिरण खींच लिए, और इनके कटान बिंदु को मैं क्या बोल दूंगा? इस वर्ग का केंद्र बोल दूंगा, और इसी बिंदु पर अपने को क्या निकालना है? विद्युत विभव अपने को निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास जो ए बी सी डी वर्ग है, इसके चारों कोनों पे 4 आवेश हैं। क्यू वन है अपने पास, जो क्वेश्चन में दिया है 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्यू टू कितना है? क्यू टू दिया है अपने को -50 माइक्रोकूलम। क्यू थ्री है जो कितना दिया है? 20 माइक्रोकूलम। और क्यू फोर कितना है? -60 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब आप क्या करना है, इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव तो कैसे निकालेंगे अपन भाई? इस आवेश के Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर, बिंदु O पर विभव, B आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, C Q3 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, और Q4 आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। फिर उन चारों को अपन जोड़ देंगे। सबसे पहले अपने को ये दूरी चाहिएगी ना, ये दूरी चाहिएगी, और ये दूरी कहाँ से आएगी अपने पास? ये दूरी आएगी वर्ग के विकिरण की आधी दूरी, ठीक है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? सबसे पहला काम मैं आपके सामने ये कर लेता हूँ कि वर्ग का विकिरण निकाल लेता हूँ। इस वर्ग का विकिरण क्या होगा बताइए? वर्ग का विकिरण क्या होगा? विकिरण होगा या तो ए सी होगा,
या तो ए सी स्क्वायर होगा या फिर ये बी डी। अरे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, पाइथागोरस थ्योरम, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर किसके बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दूं किसके बराबर होता है वो, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है वही चीज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास डायगोनल्स क्या है इसके, इस त्रिभुज के कर्ण कर्ण है, तो ये किसके बराबर हो जाए, किसी भी दो साइड, वर्ग की सभी दिशाएं बराबर होती हैं, सभी साइड जो बराबर होती हैं, तो किन्हीं भी दो साइड के वर्ग के जोड़ के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज था मेरे पास ए बी सी, अब मेरे को निकालना है ए सी, तो ए सी क्या होगा, इस भुजा और इस भुजा दोनों के वर्ग को मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर आ जाएगी। अब देखिए, अब मुझे ए सी स्क्वायर है, मुझे इसको सॉल्व कर लेना है आगे। ये लीजिए, इसका रूट टू का स्क्वायर कितना हुआ, टू, और इसका भी स्क्वायर कितना हुआ, टू हुआ, ये एक्चुअली हो गया मेरे पास चार, ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ये हो गया चार। अब देखिए, मुझे ओनली ए सी निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, ए सी निकालना है या फिर मुझे बी डी निकालना है, दोनों बराबर हैं, तो क्या कर दूंगा, इसका रूट कर दूंगा, रूट करूंगा तो ए सी या बी डी मेरे पास कितना आ गया, देखिए ये मीटर में है, ध्यान से देखिए, रूट टू मीटर में है। ठीक है, तो ए सी या फिर बी डी ये मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास 2 मीटर, फोर का ये आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, ए सी या बी डी मेरे पास क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। अब थोड़ा ध्यान से यहां पे देखेंगे आप इसको, कि मुझे चाहिए ए ओ, भाई मुझे चाहिए या तो ए ओ, या चाहिए बी ओ, सी ओ या डी ओ, ये सब दिशाएं बराबर हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ, ये किसके बराबर होंगी, ये या तो ए सी के आधे के बराबर होंगी, और ए सी का आधा कितना आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी कितनी होगी मेरे पास, ये हो गई बच्चों 1 मीटर। ठीक है, ये अपन ने फाइंड आउट कर ली, ये सारी दूरियां जो बराबर हैं, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, सब 1 मीटर। अब देखिए, अब अपने निकालना आसान होगा, अब मैं बोलूं आपसे कि बिंदु ओ पर विद्युत विभव क्या होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि बिंदु ओ पर जो विद्युत विभव है वो इन प्रत्येक आवेशों द्वारा इस बिंदु O पर विभव के योगफल के बराबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि बिंदु O पर जो विभव कितना होगा, देखिए K क्यू अपॉन, दूरी कितनी है, AO है, K क्यू अपॉन AO प्लस K क्यू अपॉन BO, K क्यू अपॉन CO, K क्यू अपॉन DO। ठीक है, देखिए अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, इनको आप Q1 Q2 Q3 Q4 माना है ना आपने, ये रख देंगे आप। अब देखिए यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, VO इक्वल्स टू, देखिए मेरे पास K कॉमन आ रहा है, K मैंने कॉमन ले लिया, और देखिए यहां पे जो AO BO CO और DO इनका जो मान है वो 1 मीटर है, तो आप यहां पे 1 1 लिखेंगे, तो 1 का तो कोई औचित्य है नहीं यहां पे, भाई किसी भी नंबर में अपन 1 का जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रहता है, तो यहां पे अंदर क्या बच गया मेरे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये मेरा 1 1 1 1 है। अब देखिए K का मान आपको पता है, K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है Q1 का मान, 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q2 का मान दिया है आपको -50 माइक्रो कूलम, देखिए इसको लास्ट में लिख देंगे अपन, सो Q1 का मान 100, Q2 का मान -50, Q3 का मान 20 और Q4 का मान -60। ठीक है, इनको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, देखिए प्लस वाले जोड़ेंगे अपन, प्लस का कितना हो गया 120 और माइनस वाले हो गए 110, कितना बच गया मेरे पास अंदर, 10 माइक्रो कूलाम मेरे पास बच गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 9 × 10⁹, 10 माइक्रो कूलाम को भी आप कूलाम में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 की घात -6,
अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको, क्या निकल के आएगा, 9 × 10⁴ आ जाएगी, प्लस की 4। ये लीजिए विभव का मान कितना आ गया, 9 × 10⁴ वोल्ट। ये अपना विभव का मान आ गया, मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु O पर विभव का मान अपने पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, 30 माइक्रो कूलाम का आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। देख लीजिए ये अपना एक्स वाई निर्देश तंत्र हो गया और ये इसका मूल बिंदु O है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। देखिए स्थित है a upon root 2 तथा ये दो निर्देशांक हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के, मान लीजिए ये बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक हैं। इन बिंदुओं के मध्य अपने को विभवांतर ज्ञात करना है, और दिया क्या है कि जो मध्य बिंदु O है, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर है जो कितना आवेश है, 30 माइक्रो कूलाम। इस पर मान लीजिए आवेश दिया है मेरे को 30 माइक्रो कूलाम, इसको आप कूलाम में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 30 × 10⁻¹ कूलाम। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया ये बिंदु A, ये रहा बिंदु A पे जो निर्देशांक है मेरे a/√2 और a/√2 हैं, मूल बिंदु पे 0 0 होते ही हैं। और यहाँ पे मैंने बिंदु B ले लिया, ये बिंदु B ले लिया और बिंदु B के निर्देशांक अपने को A पर 0 दिया है। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जब मुझे बिंदु A और बिंदु B के बीच में विभवांतर निकालना है तो सबसे पहला काम मेरा होगा इनकी दूरियों का, ये दूरियां क्या है इनकी, ये AO कितना है और ये BO कितना है, दूरियां निकालना जरूरी है। तो दूरी निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला अपन बात करें कि इनकी दूरियां कैसे निकालते हैं। तो दूरियां देखो, किसी दो बिंदुओं के निर्देशांक, देखिए किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक अगर x1 और y1 हो और इसके x2 और y2, ठीक है, ऐसे कुछ निर्देशांक हो तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो AB इक्वल्स टू ऊपर कैसे निकालेंगे, x2 − x1 + y2 − y1 का स्क्वायर, ये अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अपन वैसे ही करने वाले हैं। देखो यहाँ पे अपना ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2, ठीक है, और इस दूरी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी दूरियां मैं कैसे निकालता हूं कि मुझे निकालना है OA, तो OA कैसे निकालूंगा मैं, OA निकालने के लिए देखो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिए, तो कैसे निकाल देंगे आप, a/√2 − 0, ठीक है ये तो 0 ही है, प्लस a/√2 − 0, क्या हो गया ये OA हो गया मेरा, देखो ये हो जाएगा a² / 2 प्लस ये भी हो जाएगा a² / 2। देखो a का स्क्वायर तो क्या हो गया a² और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही आप आगे करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए a² / 2 + a² / 2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2a² / 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, √a² बचा, और √a² को मैं ओपन करूंगा तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, ओनली a बच जाएगा। तो OA का मान कितना आ गई मेरे पास, ये दूरी जो कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई a। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं OB के बीच की दूरी, तो OB निकालू मैं, तो OB क्या आ जाएगी आपके सामने, अब देखो इस कंडीशन में होगा क्या, देखो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे अपन, a − 0² + यहां पे क्या है, 0 − 0² देखिए यहां पे क्या बच गया, a − 0² कुछ भी हो, a − 0 a होता है, तो a का स्क्वायर क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया a² ठीक है, और 0 − 0² तो 0 ही है, इसको छोड़ देंगे अपन, तो OB कितना आ गया मेरे पास, देखो a² का रूट कितना होता है,
ए होता है। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया बच्चों, ये भी आ गया मेरे पास ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें अपन, अब देखें कि बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव क्या है, तब अपने को पता चल जाएगा। इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, देखिए यहां पे कि बिंदु ए पर विभव क्या है, बिंदु ए पर विभव अपना क्या हो जाएगा, तो बिंदु ए पर विभव क्या हो जाएगा, बताइए दूरी कितनी है बीच की, ए है, तो के क्यू अपॉन, के क्यू अपॉन ए। और बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव कितना हो जाएगा, वी बी इक्वस टू के क्यू अपॉन, ये दूरी भी कितनी है, ए है। ठीक है, ये दूरी भी अपनी ए ही है। अब यहां पे बात करूं मैं विभवांतर की, तो विभवांतर क्या हो जाएगा अपना, विभवांतर हो जाएगा देखिए वी बी माइनस वी ए आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए, दोनों बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। ध्यान से देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना है, आवेशों एक तो प्लस क्यू, दूसरा आवेश 2q तथा तीसरा है 4q को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो आपको दी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दी है आपको वो दी है ए मीटर। ठीक है, ये लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है आपको ए मीटर, और ये समबाहु त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी सी करके। देखिए इसके कोनों पर जो आवेश है वो कितना है, इस कोने पे मैंने मान लिया प्लस क्यू आवेश है, इस कोने पे जो है 2q आवेश है, और यहाँ पे जो है 4q आवेश है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया अपने को, बोल रहा है कि इसके कोनों पर जो आवेश है इसको रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। अपन किस सीरीज में चलेंगे, देखिए थोड़ा ध्यान देखेंगे, यहाँ पे अपन चलेंगे मान लीजिए 1, 2, 3 तीन आवेश है मेरे पास, तो मैं तीन बिंदु है मेरे पास, मैं किस सीरीज में चलूंगा, पहले मैं निर्माण करूंगा Q1 और Q2 आवेश से, ठीक है, उसके बाद Q2 और Q3 आवेश से, और उसके बाद 1 और 3 आवेश से, तो ये मेरा सीरीज रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा कुल कार्य कितना होगा किया गया इस संभाव्य त्रिभुज के निर्माण में, इन आवेशों द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, W12 प्लस W23 प्लस W31। देखिए कार्य क्या हो जाएगा मेरा K, देखिए मैं बोलूँ सबसे पहले आपको बिंदु ए बी के बीच में, ठीक है, बिंदु ए बी के बीच में ये क्या हो जाएगा 1, 2, इसको आप Q1 बोल दीजिए, ठीक है, ये Q1 और ये Q2 और ये Q3, ओके। अब देखिए Q1 और Q2 के बीच में जो कार्य कितना होगा, क्या बोल देंगे आप, K Q1 कितना है मेरा, Q है, और वो कितना है 2Q, दूरी बीच में कितनी है ए है, दूरी सबकी समान रहेगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। Q2 और Q3 के बीच में कितना रहेगा अपना 2Q 4Q, देखिए भाई बीच की दूरी समान है, Q3 और Q1 इन दोनों के बीच में कितना रहेगा 4Q और Q, अब देखिए अब यहाँ से मेरे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, मैं सब थोड़ा ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए मेरे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ मेरे पास क्या बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 4 2 8 बचता है, और यहाँ पे देखो 4 1 1 4 1 4, यहाँ मेरे पास 4 बचता है, तो W बराबर किया गया कुल कार्य मेरे पास आ जाएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये कितना हो गया 14, ये 14 हो गया मेरे पास। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर देखो K का मान आप रख दीजिए 1/4πε0, और ये क्या आ जाएगा 14q2/a, ये आपका किया गया कुल कार्य आ गया। ठीक है बच्चों, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसको आप जूल भी यहां पर लिख देंगे।
ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश क्रमशः 8×10⁻¹⁹ कूलाम तथा −8×10⁻¹⁹ कूलाम परस्पर 2×10⁻¹⁰ मीटर दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 4×10⁻¹⁶ मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। अपने पास तीन कंडीशन हैं। पहली क्या है, जब विद्युत द्विध्रुव जो है अक्ष पर स्थित हो, दूसरा निरक्ष पर स्थित हो, और जो द्विध्रुव आघूर्ण से 6 डिग्री पर हो, तीसरा कंडीशन अपना। देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ आपके सामने एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसका जो आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश कितने हैं, आवेश का मान यहाँ पे है मेरे पास 8×10⁻¹⁹ कूलम, और बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या होती है द्विध्रुव की, 2a होती है। तो 2a जो दूरी है वो है मेरे पास कितनी है, 2a दूरी कितनी दी है, 2×10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो इस दूरी पर स्थित है, इस द्विध्रुव से 4×10⁻¹⁶ मीटर दूरी पर। अब देखो r का मान क्या दिया है मेरे को, मध्य बिंदु O से, मतलब अपने को जहाँ जहाँ निकालना है, अक्ष पे निकालना है तो अक्ष पे r का मान, निरक्ष पे निकालना है तो निरक्ष पे r का मान, वो सब दिया है अपने को। तो r का मान कितना दिया है, r का मान दिया है अपने को 4×10⁻¹⁶ मीटर, ठीक है। अब अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, अपने को निकालना है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। देखो जब द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु कोई बिंदु स्थित होगा तो वहां पे जो थीटा है वो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। अक्षीय स्थिति में विभव देखिए क्या होता है, वी बराबर 1/4πε0 पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए अक्षीय स्थिति में ये क्या हो जाता है, अक्षीय स्थिति में कोस में जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री है, और 0 डिग्री क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, कोस 0 होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा अपना अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मेरे पास विभव कितना आ जाएगा, देखो आपको पता ही है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे इसमें, यहीं पे आप P का मान भी ज्ञात कर लीजिए, विद्युत द्विध्रुव का मान भी आप यहीं पे ज्ञात कर लीजिए। द्विध्रुव का मान क्या होता है, Q×2A, तो आपको दिया है क्वेश्चन में क्यों दिया है 8×10⁻¹⁹ कूलम, एंड 2A का मान जो दिया है आपको 2×10⁻¹⁰, ठीक है। तो यहाँ से P का मान क्या आ गया आपका 16×10⁻¹⁐. देखो द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, ठीक है, ये cm मतलब कूलाम मीटर। अब देखिए यहाँ से इसका मान आपको पता है 9×10⁻¹⁹ होता है, p का मान अपने अभी भी फाइंड आउट कर लिया है 16×10⁻¹⁹, और r है त्रिज्या का मान कितना दिया है अपने को 4×10⁻¹⁶, तो ये भी आप यहाँ से लिख देंगे 4×10⁻¹⁶, और इसका स्क्वायर बताया आपको, स्क्वायर करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं अपन, 9×10⁻¹⁹ × 16×10⁻¹⁹, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻¹⁰, यहाँ से आप कट कर सकते हैं 16 को 16 से, ठीक है। देखिए अब जो 10⁻¹⁰ है इसको मैं इससे कट करूंगा तो कितना बचेगा, 12 को कट करेंगे अपन तो ये बच जाएगा मेरे पास 9 और 3, 10⁻¹⁷. अब देखिए पावर्स आप सोल्व कर लेंगे, यहाँ से पावर्स आप सोल्व करेंगे तो क्या बन के निकल जाएगा आपके पास, देखो 9 तो सेम रहेगा, ठीक है, किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, ये कोई नंबर और है ही नहीं, तो 9, 10⁻¹⁹ और 10⁻¹⁷, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा अपना 10⁻¹⁸, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना 10⁻¹⁸, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो आप ये लिख देंगे अक्ष पर अपना विद्युत विभव कितना आ गया, 9 इंटू
10 टू द पावर माइनस 8। अब अपने को सेकंड में पहुंचा है द्विध्रुव की, जब द्विध्रुव निरक्ष पे स्थित हो तो निरक्ष पे आप बोलेंगे, सेकंड जो अपना क्वेश्चन है वो पूछा है कि द्विध्रुव कहाँ स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर विद्युत विभव या फिर निरक्ष पर विभव। हमने आपको जब डेरिवेशन करवाया था इसका, तब हमने आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया था कि निरक्ष पे विद्युत विभव का मान जीरो होता है। ठीक है, निरक्ष पे विद्युत विभव का मान कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये करने की जरूरत है नहीं अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित हो। तो तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आपके सामने, कहाँ पे स्थित हो, ये लीजिए थर्ड पॉइंट अपना, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है अपने को, 60 डिग्री दिया है। तो आप यहाँ से विद्युत विभव निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/4πε0 P cos θ/R2। देखिए बच्चों, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका मान क्या होता है 9 × 10⁻¹। ठीक है, P का मान क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पे सोल्व कर लिया है 16 × 10⁻²⁹। कोस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है बच्चों, कितना होता है 1/2 होता है। और आर स्क्वायर का मान क्या था, 4 × 10⁻¹⁶ इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो अपना कौन सा है, ये अपन जो अक्ष पे निकाला था वो ही है। ठीक है, अगर मैं कोस 60 को हटा दूं तो ये कितना था अपना, जो अक्ष पे निकाला था वही है। और अक्ष पे मेरा कितना आया था, अक्ष पे मेरा आया था 9 × 10⁻¹⁸। ठीक है, और यहाँ से आप कोस 60 का मान यहाँ पे रख देंगे। कोस 60 का मान जब रखेंगे, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो कोस 60 का मान रखने के बाद क्या निकल के आ गया, 4.5 × 10⁻¹⁸ विभव कितना है बच्चों, 4.5 × 10⁻¹⁸। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन अपना, 2 प्रोटॉन 6×10⁻¹⁵ की दूरी पर स्थित हैं। प्रोटोनों की अनन्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रोटोनों के बीच की दूरी है, इसको मैंने R बोला, तो R का मान कितना दिया है अपने को, 6 × 10⁻¹⁵ मीटर। और आपको पता है कि प्रोटोन के ऊपर आवेश कितना होता है, दो आवेश अपने को दिए हैं, दो प्रोटोन अपने को दिए हैं, तो दोनों प्रोटोन पे आवेश कितना कितना होगा भाई, आवेश तो दोनों बराबर होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए जब दो आवेशित कण हैं तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, दो आवेशित कणों की स्थितिज ऊर्जा, देखिए ये क्या होती है, यू इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 / R। ठीक है, इसमें मान रखते हैं अपन, इसका मान क्या हो गया मेरे पास, 9 × 10⁻¹⁹। Q1 का मान कितना दिया है, Q1 और Q2 का मान सेम ही है, तो आप इनको ऐसे की ऐसे एज इट इज आप छाप देंगे, ये लीजिए। ठीक है, त्रिज्या का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 6 × 10⁻¹⁵। देखो बच्चों यहाँ से जो ऊर्जा आएगी उसका मान अपना आएगा जूल के अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालना है। तो देखिए अपन किसी भी टर्म का भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालते हैं तो अपन उसमें 1.6 × 10⁻¹⁹ का डिवाइड कर देते हैं। तो अपन यहाँ भी क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे, कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां से अपन इसको कट करते हैं, ये अपना आ जाएगा मान, अपना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लीजिए इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए। देखो यहाँ से इस टर्म ये से कट जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से 6 को मैं डिवाइड करूँ 9 से तो 1.5 आता है, ठीक है। और 10 की पावर माइनस 15 को कट करेंगे अपन, तो इससे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मेरे पास क्या क्या बच रहा है उसका मैं देख लेता हूँ। स्थितिज ऊर्जा में देखो 1.5 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.40। इसको आप 2.4 लिख देंगे, ठीक है, ये 2.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। अब देखो 10 की पावर 9 जो है ये पॉजिटिव है और 10 की पावर माइनस 4 नेगेटिव है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 की पावर प्लस 5 बच जाएगी मेरे पास, ठीक है, प्लस 5। और ये मान किस में आ रहा है अपना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.24 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है कि 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपनी स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई, दो प्रोटोन के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई, 0.24 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो भैया अगला क्वेश्चन अपना है, एक विद्युत द्विध्रुव में 1 × 10⁻⁶ तथा −1 × 10⁻⁶ के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखिए यहाँ से करना शुरू करते हैं अपन। देखिए एक द्विध्रुव है और इस पे दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये कितने हैं अपने, −1.0 × 10⁻⁶ और ये है +1.0 × 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है, ये कूलाम लिख दीजिए आप, ठीक है। एक दूसरे से कितनी दूरी पे स्थित हैं, ये जो दूरी है इनकी 2a, ये दी है अपने को 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस दूरी को आप मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 × 10⁻²⁰ मीटर। अब देखिए अब यह जो विद्युत द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है इसका मान कितना है, 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये इस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थित है। अब देखिए अपने को क्या क्या निकालना है, पहला जो अपना पॉइंट है ये है कि विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलागुण। तो सबसे पहले तो बलागुण निकालने से पहले सबसे पहले मैं विद्युत द्विध्रुव निकाल लेता हूँ या द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेता हूँ। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला कौन सा काम में लेना पड़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, P=Q × 2A। तो यहां से मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा, क्यों का मान कितना है, 1 × 10⁻⁶ और 2a का मान कितना है, 2 × 10⁻²। तो यहां से जो विद्युत द्विध्रुव है या द्विध्रुव आघूर्ण है ये कितना आ गया मेरा, देखो 2 × 10⁸ और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, ठीक है बच्चों। ये तो अपना हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपने को क्वेश्चन में जो पूछा है वो अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में अपने क्या पूछा है कि द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बलागुण टो मैक्सिमम अपने को पूछा है। तो अपने को पता है कि टो मैक्सिमम कब होता है, P × E। यहां से आप अधिकतम बलागुण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम बलागुण का मान ज्ञात करने के लिए पी का मान यहाँ पे रखिए आप, 2 × 10⁻⁸ और विद्युत क्षेत्र का मान आपको दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 × 10⁵, ठीक है। तो यहां से जो विद्युत सॉरी यहां से जो अधिकतम बलागुण है इसका मान आप निकाल सकते हैं, क्या आ गया ये, 2 × 10⁻³। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर। देखिए अधिकतम बलागुण का मान अपना आ चुका है, ये अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अपना है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। देखो बच्चों जो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थितिज ऊर्जा होती है वो कब होती है, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो, ठीक है। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, U = −PE cos थीटा।
अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्थायी संतुलन की स्थिति, स्थायी संतुलन की स्थिति कब होगी, स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की जो स्थिति होगी अपनी कब होगी, थीटा बराबर जब कितना होगा, जीरो डिग्री होगा, और थीटा बराबर जीरो डिग्री होगा तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस पी, क्योंकि कोस जीरो का मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप यू का मान लिख सकते, पी का मान आप रखिए यहाँ से, टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट, और ई का मान क्या है, वन इंटू टेन टू द पावर फाइव। ठीक है, यहाँ से आपकी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा कितनी आ जाएगी, माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री जूल। ठीक है बच्चों, ये किस में आएगी, स्थिति ऊर्जा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, माइनस टू इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री जूल। ध्यान रखेंगे स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा का मान जीरो डिग्री होता है, और अस्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे चलते हैं अपन, इसी में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्थायी संतुलन की अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पे, देखिए स्थायी संतुलन की अवस्था से 180 डिग्री घुमाने पे, इसका मतलब स्थायी संतुलन से आपने 180 घुमा दिया तो वो कहाँ चला गया, वो चला गया अपना अस्थायी संतुलन में। ठीक है, स्थायी संतुलन से आप 180 डिग्री घुमा देंगे तो वो चला जाएगा अस्थायी संतुलन में, और अस्थायी संतुलन में मान क्या होगा इसका, 180 डिग्री, 180 का मान क्या होता है, देखिए माइनस यू बराबर माइनस पी ई कोस 180 डिग्री, और जो कोस 180 डिग्री का मान है वो कितना होता है, वो होता है बच्चों माइनस वन। तो यहाँ से स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, प्लस पी ई, और प्लस पी ई जब आ रही है, देखिए माइनस पी ई का मान कितना है, टू इंटू टेन माइनस थ्री, तो प्लस पी ई का मान क्या हो जाएगा, प्लस पी ई का मान भी मेरे पास ये हो जाएगा, इसको मैं प्लस में कर दूंगा बस। तो ये क्या आ गई, जब मैं स्थायी संतुलन अवस्था से 180 डिग्री पर घुमा देता हूँ तब जो स्थिति ऊर्जा मेरे पास कितनी आती है, ये मैंने निकाल ली, प्लस में आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो अपना है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर अपना है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में किया गया आवश्यक कार्य, तो कार्य क्या होगा, पी ई वन माइनस कोस थीटा। देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमा रहे हैं अपन, तो 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप थीटा का मान क्या रख देंगे, थीटा का मान आप यहाँ पे रख देंगे, रख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हो गया 1 माइनस जीरो, डब्ल्यू का मान क्या आ गया अपने पास, पी इंटू ई, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी इंटू ई, पी का मान है अपने पास 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 8, ई का मान है 1 इंटू टेन टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से कुल कार्य कितना आ जाएगा मेरा, देखो 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 जूल, ये अपना कार्य क्या आ गया, जब द्विध्रुव को मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री तक घुमा देता हूँ। ठीक है बच्चों, आज अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हैं, जो जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, जो अच्छे क्वेश्चन लगे, जो अपने को करने चाहिए थे, वो अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। चैप्टर थर्ड अपना विथ न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है, अब अपन अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और ऐसे ही कंटिन्यू आप पढ़ाई अपनी जारी रखें, मेहनत करते रहें, संकल्प